हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका दोस्त विनोद विजयवर्गीय आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एग्जाम गाइड में सभी का मोस्ट वेलकम करता है। यह चैनल मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया है ताकि आप आई एग्जाम क्रैक कर सके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ फटाफट से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सके। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक अलग अलग जगह से पढ़ने के। बाकी इस चैनल का मेन मोटिव यह है कि मैं आपको हर टॉपिक को लिमिटेड डेटा अकॉर्डिंग टू आई एग्जाम मैं आपको यहाँ पे पढ़ा सकूँ, आपको बता सकूँ कि किस किस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। तो आपको इस चैनल से भी बहुत सारी हेल्प होने वाली है। तो अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों की भी बताएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके और यहाँ से आप कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा के आईए एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे TCP/IP मॉडल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था OSI मॉडल के बारे में। OSI मॉडल क्या होता है? TCP/IP मॉडल भी एक रेफरेंस मॉडल है जो यह बताता है अपने को कि एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा कैसे कम्युनिकेट करता है, किन किन लेयर्स के द्वारा वो डेटा जाता है और हर लेयर में उस डेटा के साथ क्या क्या एक्शन परफॉर्म होता है। फ्रेंड, तो इसमें भी हम बताएंगे आपको कि किस किस तरह से किस किस टाइप के क्वेश्चन आईए एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, अपने पास OSI लेयर की मैं बात करूँ, OSI मॉडल में अपने पास ये 7 लेयर्स थी। पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, छठी प्रेजेंटेशन लेयर एंड सातवीं एप्लीकेशन लेयर। इन 7 लेयर्स में से इनमें से कुछ लेयर्स को कम्बाइंड करके अपने पास TCP/IP में उनको कम्बाइंड ज्वाइन कर दिया गया और एक लेयर बना दी गई। तो ऐसे अपने पास TCP/IP की हम बात करें तो TCP/IP में अपने पास 4 लेयर है। फ्रेंड, अपने पास 4 लेयर है जो नीचे की दोनों लेयर है OSI मॉडल की। नीचे की दोनों लेयर मतलब फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को कम्बाइंड करके इन्होंने नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दी है। नेटवर्क एक्सेस लेयर को कहीं जगह कहीं बुक्स में आपको फिजिकल लेयर भी नाम मिल जाएगा। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि TCP/IP की जो फर्स्ट लेयर है वो OSI की किन किन लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो आपका आंसर होगा नेटवर्क एक्सेस लेयर इन दोनों लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो आपको ये कंपेरिजन भी याद रहना चाहिए कि OSI की कौन कौन सी लेयर से मिलकर TCP/IP में कॉम्बिनेशन हुआ है उस लेयर का, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के इक्वलेंट, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्वलेंट, एंड देन 5, 6 और 7 सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये तीनों लेयर का कॉम्बिनेशन मिलके अपने पास TCP/IP में एक लेयर बना दी गई है और उसका नाम है अपने पास एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरह से अपने पास TCP/IP में 4 लेयर होती है अपने पास, जिनका नाम नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ से आपको ये पता रहना चाहिए कि TCP में जो लेयर बनी है वो OSI के किन किन लेयर्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपको पूछ लिया जाता है। अब ये तो थी लेयर की बात, अब बात करते हैं कि TCP/IP अपने पास आया कैसे। आया कैसे कि मैं बात करता हूँ आपके पास कि एक एजेंसी है अपने पास अर्पानेट, ARPANET, अर्पानेट, जिसकी फुल फॉर्म आपको कई बार पूछ ली जाती है। तो उसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। फ्रेंड, एक बार और बता देता हूँ आपको, या आपको याद रखनी है अर्पानेट की कई बार आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ए स्टैंड फॉर एडवांस, आर फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी। तो अर्पानेट प्रोजेक्ट एजेंसी अपने पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी थी। तो उसने सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए अपने पास NCP होता है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। लगभग 1969 के पास आपके पास NCP प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए इस एजेंसी ने यूज में लिया। देन उसके बाद कम्युनिकेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, इनमें इनको अर्पानेट एजेंसी को थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1974 में TCP प्रोटोकॉल का यूज में लेना स्टार्ट किया। देन उसके बाद इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ और 1978 में अपने पास TCP/IP प्रोटोकॉल इन्होंने यूज में लिया इस एजेंसी के लिए। तो बहुत सी बार पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन भी कि TCP/IP सबसे पहले किसके लिए यूज में लिया गया था अपने पास। तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो सबसे पहले अपने पास अर्पानेट एजेंसी के लिए यूज में लिया गया था। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इन चारों लेयर्स में से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इन चारों लेयर्स में जो मेन इम्पोर्टेंट अपने पास जो प्रोटोकॉल यूज में आते हैं
वो मैंने आपको यहाँ पे हर लेयर के बाद में बता रखे हैं फ्रेंड। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये अपने पास यूज में आते हैं इन्हीं लेयर्स में, तो आपको बहुत सी बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन मिल जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल टीसीपी की इस लेयर में काम में आता है। आपको पूछ लिया कि निम्न में से डीएनएस जो होता है वो टीसीपी की किस लेयर में यूज में आता है, या फिर पीपीपी प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी की कौन सी लेयर में यूज में आता है। तो आपको लेयर्स में जो जो प्रोटोकॉल है वो मैंने आपको यहाँ बताया है और आपको याद रहना चाहिए कि किस किस टाइप के प्रोटोकॉल आपके यूज में आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने पास यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस लेयर की, मैं बात करता हूँ नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है वो अपने पास पहले नंबर की लेयर होती है फ्रेंड। नेटवर्क एक्सेस लेयर में अपने पास क्या क्या होता है मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि फंक्शनलिटी। नेटवर्क एक्सेस लेयर में अपने पास डेटा हमेशा अपने पास 0-1 की फॉर्म में होता है फ्रेंड। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अपने पास नेटवर्क एक्सेस लेयर ही डिफाइन करती है लेआउट ऑफ नेटवर्क, मतलब टोपोलॉजी की कौन से नेटवर्क में किस टाइप की टोपोलॉजी सूट करेगी या फिर किस टाइप की टोपोलॉजी होगी। ठीक है, तो लेआउट ऑफ नेटवर्क भी यही डिसाइड करती है। जो मैं बता रहा हूँ आपको फंक्शनलिटी की किन किन लेयर्स में क्या क्या होता है वो आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली पूछ लेता है कि लेआउट ऑफ नेटवर्क टीसीपी आईपी की कौन सी लेयर में डिसाइड होता है। तो आपका आंसर होगा नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसके अलावा मैं बात करूं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब अपने पास सेंडिंग साइट और रिसीविंग साइट पर अपने पास जो डेटा जा रहा है उसका जो फ्लो है वो ये डिसाइड करता है। उसके अलावा मैं बात करूं डेटा रेट। डेटा रेट का मतलब पर सेकंड इसको कितना डेटा ट्रांसफर करना है वो चीज ये डिसाइड करती है लेयर। और ट्रांसमिशन मोड जो कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स होता है वो सब इस लेयर में डिसाइड होते हैं। तो मतलब ये सारे काम अपने पास नेटवर्क एक्सेस लेयर में होते हैं। और जो प्रोटोकॉल मेन यूज में आता है अपने पास वो है पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। हर प्रोटोकॉल के आपको कम से कम फुल फॉर्म तो याद रहनी चाहिए इन प्रोटोकॉल्स के बारे में। बाकी आप डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। बाकी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल किस किस लेयर में यूज में आता है। उसके अलावा नेटवर्क एक्सेस लेयर अपने पास जो डेस्टिनेशन होता है उसका फिजिकल जो एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, वो भी डेटा के साथ अटैच करने का काम नेटवर्क एक्सेस लेयर ही करती है। तो ये जो सारे काम होता है वो जो भी एक्शन मैंने बताया डेटा के साथ जो जो परफॉर्म होता है वो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद हम सेकंड लेयर की बात करते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की बात करूं तो इसमें 5 अपने पास प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है जो कि यूज में आते हैं। पहला है आईपी। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एआरपी होता है अपने पास एडवांस रिसर्च प्रोटोकॉल। आरएआरपी होता है रिवर्स एडवांस रिसर्च प्रोटोकॉल। आईसीएमपी होता है अपने पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईजीएमपी होता है इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स की आपको फुल फॉर्म भी याद रहनी चाहिए। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स अपने पास नेटवर्क लेयर में यूज में आते हैं। तो ये जो लेयर होती है अपने पास नेटवर्क लेयर, ये अपने पास फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस का कन्वर्जन करने के काम में आती है अपने पास। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद मैं बात करूं अपने पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करूं तो दो मेन अपने पास टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये दोनों प्रोटोकॉल इसमें मेनली यूज में आते हैं अपने पास। तो ट्रांसपोर्ट लेयर अपने पास एंड टू एंड कम्युनिकेशन लेयर्स में करने का मुख्यतः काम करती है अपने पास। इसके बाद मैं बात करूं अपने पास एप्लीकेशन लेयर की बात करूं तो एप्लीकेशन लेयर में जो इम्पोर्टेंट अपने पास प्रोटोकॉल सब वो है अपने पास एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएनएस डोमेन नेम सर्वर। तो ये सारे जो भी प्रोटोकॉल्स है वो एप्लीकेशन लेयर में यूज में आते हैं। ये चीज आपको पता रहना चाहिए कि ये प्रोटोकॉल्स इस लेयर में काम में आते हैं। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज ओएसआई मॉडल में डेटा फ्लो मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे हर लेयर में जाता है। तो इसमें भी वो सारी फंक्शनलिटी होती है बस उसमें, और इसमें फर्क ये है कि उसमें 7 लेयर की जगह इसमें 4 लेयर कर दी गई अपने पास। ठीक है, और कुछ प्रोटोकॉल्स इसमें और एक्स्ट्रा यूज में आने लगे अपने पास। तो एप्लीकेशन लेयर में भी वही सारा काम होता है जो तीनों लेयर्स में होता था अपने पास। सेशन क्रिएशन का काम एप्लीकेशन लेयर में होता है, डेटा फॉर्मेटिंग का काम एप्लीकेशन लेयर में होता है, पर एप्लीकेशन लेयर ही अपने पास एंड यूजर लेयर होती है। जैसे कि अपने पास मैंने बताया था आपको फेसबुक मैसेंजर हुआ, आपके पास कोई भी वेब ब्राउजर हुआ, तो ये सब आपके पास एप्लीकेशन लेयर के ही पार्ट होते हैं। तो ये इस तरह से आपके बेसिक क्वेश्चन आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी मॉडल से आपको पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया है, पढ़ते रहिए आप। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।